हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप ऑफलाइन चैटिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऑफलाइन रहते हैं, ऑनलाइन नहीं रहते हैं, यानी वन टिक आता है, एक ही टिक आता है और वह लोग चैटिंग पे चैटिंग किए जाते हैं और आप समझ नहीं पाते कि यार चैटिंग कैसे हो रही है। बंदा ऑनलाइन भी नहीं है फिर भी चैटिंग कर रहा है। और आपने देखा होगा कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, अगर आप ऑनलाइन आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, अगर आपको बात करना तो आप ऑफलाइन बात कीजिए, लेकिन कैसे करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बहुत ही कमाल का ट्रिक बताएंगे, आप इजीली ऑफलाइन चैट कर सकते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग काफी ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। लाइक करने में पैसे नहीं जाते भाई, तो लाइक कर देना। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर देना, इतना तो आपको जरूर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बीच में मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन कैसे, कहाँ से मिलेगी, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पर है, तो इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन को मैं काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर पहले मैं व्हाट्सअप में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, एक सिरे से समझाता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर हाई लिख के मैसेज करता हूँ, और हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपको कोई मैसेज भेज के डिलीट कर देता है तो आप उन सारे मैसेज को कैसे पढ़ेंगे, फोटो वीडियो जो भी आएगा आप सब कुछ देख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना, आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन शो कर रहा है, ठीक। अगर मैं हाई भेजता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल टिक हो गया, जिससे मुझे पता चल रहा है कि सामने वाला बंदा ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन। अगर मैं यहाँ से कोई जवाब देता हूँ तो उसको भी, इस वाले मोबाइल को भी, इस वाले बंदे को भी समझ में आएगा, हाँ यार वह तो ऑनलाइन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल टिक शो कर दिया। अब चलिए हम आपको एप्लीकेशन में लेके चलते हैं, एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं हेलो लिखता हूँ, ठीक है, हेलो, पहले मैं इसको बैकग्राउंड से हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं, ऑफलाइन जा भाई, अभी ऑनलाइन शो कर रहा है, देखो ऑफलाइन गया, ठीक है, हाय, आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन है, ठीक है, हाय। अब अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो यहाँ से बात कर सकता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ही मैं बात कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं ऑनलाइन नहीं आऊँगा फिर भी बातें होती रहेंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, अरे चला जा मैसेज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है फिर भी मैं मैसेज भेजे जा रहा हूँ, तो मतलब बंदा परेशान हो जाएगा, भाई ये तो ऑनलाइन है ही नहीं, ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है फिर भी कैसे मैसेज भेज रहा है, तो काफ़ी कमाल की ट्रिक है। ए लो, हमने इसको भी भेज दिया, आप देख सकते हैं ऑनलाइन नहीं हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं जाऊँगा, एक सेकेंड, व्हाट्सअप में जाऊँगा, ऑनलाइन शो कर देगा, ठीक है, अभी यहाँ पर ऑनलाइन शो कर देगा। आजा भाई, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आ गया। सो काफ़ी कमाल की ट्रिक है, अगर आप अपना ऑनलाइन ऑफलाइन छुपाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से छुपा सकते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे। सो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ से एप्लीकेशन को क्लियर कर देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे, फिर आप उस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, तो जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको नेक्स्ट करना है, अलाउ कर देना है यहाँ से, अबे रुक जा, यहाँ से इसको एक्सेस दे देना है, अलाउ, फिर आपको बैक आने के बाद में आपको अलाउ करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक मेन सेटिंग को ध्यान से, इस वाली सेटिंग को देखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एक बार ऑन करना है, ऑन करने के बाद में ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं सारा का सारा ऑफ हो गया, तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन को ऑफ करना है, उसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद में आप देख सकते हैं जो हमारा काम है वह स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो स्टेटस रहेंगे उसे भी आप सेव कर सकते हैं, स्टेटस आपके मोबाइल के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, इसका यह अलग से फीचर है, तो हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले।